वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हियर आई एम विद योर फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस बर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग पॉइंट्स. बर्ड्स, फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, हाउ बर्ड्स फ्लाई, बीक्स ऑफ बर्ड्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स. हियर इज द वार्म अप क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. लुक एट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स गिवन बिलो, नेम देम बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स. देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको शो की गई हैं और इनका जो नेम है उसके लिए आपको नीचे हिंट गिवन है. तो आपने क्या करना है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और नीचे उसका जो नेम है उसको कंप्लीट करना है. इजीली कर सकते हैं आप. जैसे ये क्या शो की गई है, हैन. एच आपको गिवन है तो आपने ई और एन लिख के इसको कंप्लीट करना है. नाउ कम टू बर्ड्स. बर्ड्स आर द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर. हम सभी जानते हैं कि ये प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है. दे आर ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस. एक तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं सारी बर्ड्स और बहुत ज़्यादा मेलोडियस यानी कि इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है. दे आर फाउंड इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के सभी हिस्सों में बर्ड्स जो हैं वो पाई जाती हैं. मोस्ट ऑफ द बर्ड कैन फ्लाई. ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो उड़ पाती हैं. यू कैन सी मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. आपने देखा होगा अक्सर आसमान में आपको बहुत तरह की चिड़ियाँ जो हैं वो उड़ती हुई दिखाई देती हैं. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सभी बर्ड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, शेप में भी और साइज में भी. सम बर्ड्स आर बिग, सम आर, सम बर्ड्स आर स्मॉल. कुछ बर्ड्स थोड़ा बड़ी होती हैं साइज में और कुछ बर्ड्स बहुत छोटी होती हैं. दे हैव डिफरेंट कलर्स और इनके इन सबके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सम बर्ड्स सॉरी अ पैरट इज ग्रीन इन कलर. जैसे पैरट आपने देखा है तो वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का. अ क्रो इज ब्लैक. जो क्रो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का. एंड अ पिकॉक इज ब्लू. और पिकॉक किस कलर का होता है, ब्लू कलर का. बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. बर्ड्स जो हैं बाकी एनिमल्स से थोड़ा डिफरेंट होती हैं. दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. इनके पास विंग्स होते हैं और जिनकी हेल्प से ये उड़ पाती हैं. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फैदर्स. और इनकी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो फैदर से कवर होती है. हाउ बर्ड्स फ्लाई. अब यहाँ हम जानेंगे कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे उड़ पाती हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द बर्ड्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. अब हम क्या करेंगे, बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनकी हेल्प से वो उड़ पाती हैं. Bodies of birds are shaped like a bow that helps them to float in the air. जो बर्ड की बॉडी होती है अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उसकी जो शेप होती है वो किसके जैसी होती है, बोट, नाव के जैसी हो पाती है. तो जैसे बोट जो है वो पानी में फ्लो कर पाती है, फ्लोट कर पाती है, इसी तरीके से बर्ड जो है वो एयर में, हवा में फ्लोट कर पाती है. Birds have wings which are made up of feathers. बर्ड के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, फेदर्स से बने होते हैं. दीज विंग्स आर लाइक द आर्म्स. और ये जो इनके फेदर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं बर्ड्स के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए आपकी आर्म्स जो है वो काम करती हैं. दीज विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. इन विंग्स की हेल्प से ही वो उड़ पाती हैं. बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर थिन एंड हॉलो. इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और बीच से खाली होती हैं. द एयर फिल्स इन दीज बोन्स एंड मेक्स द बॉडी लाइट. इनकी जो बोन्स होती है उसमें क्या फिल हो जाती है, एयर, और इसलिए इनकी बॉडी बहुत लाइट, हल्की होती है. लाइट वेट बॉडी कैन गो हाई इन द स्काई. अब क्योंकि बॉडी का वेट बहुत लाइट होता है इसीलिए आसमान में बहुत ऊँचा उड़ पाती हैं. अ बर्ड ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. बर्ड के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लाइट मसल्स. दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन विच हेल्प देम टू मूव द विंग्स. इनकी जो मसल्स होते हैं वो इनके ब्रेस्ट बोन के साथ में अटैच होते हैं और जिसकी हेल्प से ये उड़ पाती हैं. बर्ड्स मूव द विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग. जब बर्ड्स उड़ती हैं, फ्लाई करते हैं, तो अपने विंग्स को ये अप डाउन पोजीशन में मूव करती रहती हैं. द टेल ऑफ द बर्ड एक्ट लाइक एन ओर ऑफ द बोट. जो इनकी टेल होती है वो किस काम किसकी तरह काम करती है, जैसे बोट होती है आपकी तो उसमें एक ओर होता है, एक स्टिक जैसी होती है, उससे आप पानी को पीछे हटाते हैं उसकी तरह से.
इट हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. और वो अपनी टेल का यूज कब करती है, जब उसको डायरेक्शन चेंज करनी होती है. देखिए यहाँ पर बर्ड का एक डायग्राम शो किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल सी बर्ड आपको शो की गई है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया है. दीज आर कॉल्ड विंग्स, दिस इज आई, नेक, एब्डोमन, बीक, क्लॉज, फ्लाइट फेदर्स, टेल. ओके, आपने क्या करनी है, अपने आप से अपनी नोटबुक में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे ब्यूटीफुल सा बर्ड का अपने आप से, और उसके ये सारे पार्ट जो है वो मेंशन करेंगे. ओके, विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई. देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक शो किया गया है कि बर्ड जो है वो किस तरीके से उसके विंग्स जो है उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. देखिए ये अपने जो इसके विंग्स हैं उसको लगातार क्या कर रही है, मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, देन अप, देन डाउन. डिड यू नो ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच है. लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं पाती है अपने, क्योंकि इसकी बॉडी का वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है. नाउ कम टू फेदर्स. अब हम देखेंगे फेदर्स हम किसको कहते हैं. द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर्स. जो बॉडी होती है बर्ड की वो पूरी किससे कवर होती है, फेदर्स से. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस. सभी बर्ड्स के फेदर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फेदर्स. फेदर्स की भी कैटेगरी होती है, वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के. अब देखते हैं, फर्स्ट वन इज डाउन फेदर्स. सबसे पहले आते हैं डाउन फेदर्स. दीज फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड्स एंड कीप देम वार्म. जो डाउन फेदर्स होते हैं वो कौन से फेदर होते हैं, जो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और उसको वार्म देते हैं, यानी कि उसको सर्दी से बचाते हैं और गर्मियों में उसको तेज गर्मी से बचाते हैं. उसके बाद आते हैं फ्लाइट फेदर्स. दीज फेदर्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं बर्ड को फ्लाई करने में उसकी हेल्प करते हैं. दीज फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. ये जो फेदर्स होते हैं ये लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं. दे आर अटैच टू द विंग्स एंड टेल्स. और ये कहाँ अटैच होते हैं, बर्ड के विंग्स पार्ट से और उसकी टेल पार्ट से. फिर आता है बॉडी फेदर्स. दीज फेदर्स कवर द होल बॉडी ऑफ द बर्ड. जो बॉडी फेदर होते हैं ये बॉडी जो बर्ड है उसकी कंप्लीट बॉडी को कवर करते हैं. तो आपको तो देखने में लगता है कि बर्ड के बस फेदर होते हैं, लेकिन वो थ्री टाइप्स के होते हैं जो अभी हमने पढ़े. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ विंग्स मूवमेंट फॉर फ्लाइंग. मेन जो होते हैं जो उड़ने में काम आते हैं बर्ड के, वो टू विंग, टू टाइप्स के विंग होते हैं. When the wings move upward, जब wings ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे यहाँ पिक में शो किया गया है ऊपर है, upward, the movement is called the upstroke movement. तो इस movement को हम कहते हैं upstroke movement, जब उसके wings जो है वो ऊपर होते हैं. When the wings downward, the movement is called the downstroke movement. और जब उसके wings जो है वो नीचे होते हैं fly करते time पे, तो उस movement को हम बोलते हैं downstroke movement. देखिए यहाँ पर जो फेदर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा उसको शो किया गया है पिक्स में. ये डाउन फेदर होते हैं, ये आपके फ्लाइट फेदर जो होते हैं, ये बॉडी फेदर. ओके, ये हो गया अप स्ट्रोक की पोजीशन और ये हो गई डाउन स्ट्रोक की पोजीशन. डिड यू नो फर्स्ट अ बर्ड टेक्स अ डिजायर्ड हाइट देन स्टॉप फ्लैपिंग विंग्स एंड सिंपली ग्लाइड. क्या आप जानते हैं कि बर्ड जितनी ऊंचाई पर जाना चाहती है पहले वो अपने अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक की हेल्प से वहाँ तक पहुँचती है, और उसके बाद जो उसके विंग्स होते हैं उनको वो स्टॉप कर देती है, उसके बाद उनका मूवमेंट वो बंद कर देती है और आराम से जो है वो हवा में फ्लाई करती है. बीक्स ऑफ बर्ड्स. अब हम जानेंगे बर्ड्स के बीक्स के बारे में. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव बीक्स. बर्ड्स की टीथ नहीं होते, उनकी बीक्स होती हैं. बर्ड यूजेस इट बीक टू कैच एंड होल्ड एंड ईट फूड. चाहे उसको अपना जो प्रे है, जो शिकार है वो कैच करना हो, चाहे उसको पकड़ना हो, चाहे उसको उसको खाना हो, सब चीज़ों के लिए बर्ड्स जो हैं अपनी बीक, अपनी चोंच का ही यूज़ करती हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. हर बर्ड की आपने देखा होगा बीक जो है वो शेप और साइज में डिफरेंट होती है. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज. उनका शेप और साइज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है.
ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ देयर बीक्स एंड क्लोज. किस बर्ड की किस तरह की ईटिंग हैबिट्स है ये डिपेंड करता है कि उनकी बीक्स कैसी हैं और उनके क्लोज पंजे कैसे हैं. बर्ड्स कैन ईट इंसेक्ट्स फ्लैश ग्रेन्स और फ्रूट्स एंड नट्स. बर्ड्स क्या क्या खा सकती है? इंसेक्ट्स खा सकती है, फ्लैश खा सकती है, ग्रेन्स खा सकती है, फ्रूट्स खा सकती है और नट्स खा सकती है. सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. और बर्ड्स बीक की हेल्प से एक और काम करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एनिमीज से. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की बीक्स के बारे में. फर्स्ट वन, जो पहला टाइप होता है बीक का, कैसा होता है? स्मॉल हार्ड एंड पॉइंटेड बीक. देखिए ये स्मॉल है, बहुत हार्ड होती है और पॉइंटेड होती है. स्पैरो पिजन्स एंड फिंचेस आर स्मॉल बर्ड्स. ये स्पैरो है, पिजन्स है और फिंचेस है, ये बहुत छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती हैं. दे ईट नट्स. क्या खाती हैं ये? नट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं और ग्रेन्स खाती हैं. देयर बीक्स आर शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड. इनकी जो बीक होती है बहुत शॉर्ट छोटी होती है, हार्ड होती है और पॉइंटेड होती है. टू पिक अप एंड ग्राइंड द ग्रेन्स. जिसकी हेल्प से ये जो ग्रेन्स होते हैं उनको आराम से उठा लेती हैं और ग्राइंड करके खा लेती हैं. स्पैरोज यूज देयर बीक टू ड्राइव अवे देयर एनिमी बर्ड. स्पैरो जो है अपनी बीक को यूज़ करता है अपने एनिमीज को दूर भगाने के लिए. देखिए बीक ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो जो है आपको यहाँ पर शो की गई है. नेक्स्ट वन, हुक बीक. हुक बीक आर मेंट टू क्रैक नट्स एंड बाइट एट हार्ड फ्रूट्स. जो हुक बीक होती है वो किस काम आती है? नट्स को क्रैक करने के, तोड़ने के और हार्ड फ्रूट्स को खाने के. जो बिल्कुल आपके रॉ फ्रूट्स होते हैं, कच्चे होते हैं तो हार्ड होते हैं वो. अ पैरट हैज़ अ हुक बीक. जो पैरट होता है उसकी जो बीक होती है, बीक होती है वो हुक शेप की होती है. देखिए यहाँ से देखिए हुक शेप की बीक है इसकी. इट हेल्प्स इट टू क्रैक हार्ड नट्स एंड टू ईट फ्रूट्स. और पैरट की जो हुक शेप बीक होती है यही उसको हेल्प करती है रॉ फ्रूट्स को खाने में और हार्ड जो नट्स होते हैं उनको क्रैक करने में. अ पैरट ऑल्सो यूजेज इट बीक्स टू क्लाइम. और ये क्लाइम यानी कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भी अपनी बीक का यूज़ करता है. यहाँ पर शो की गई है आपको बीक ऑफ अ पैरट. नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक. अब थर्ड टाइप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक बीक. जिसकी बीक स्ट्रॉन्ग भी होती है, बहुत शार्प होती है और हुक शेप की होती है. बर्ड लाइक हॉक्स आउल्स ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक. जो बर्ड्स, किस टाइप की बर्ड्स? हॉक्स, आपके आउल्स, ईगल, वल्चर, इनकी बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा, इनकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, हुक्ड होती है. और बीक देखिए यहाँ से कितनी नुकीली है, हुक शेप की है. दे यूजेज इट टू टियर फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दैट दे ईट. और क्योंकि इनकी जो बीक होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक्ड होती है तो ये आराम से फ्लैश को खा सकते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड एंड हार्ड बीक. अब देखिए स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड, यहाँ पे ऐसे लंबी सी चोंच दिखाई दे रही है आप इनकी और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये. वुडपैकर की बीक आपको शो की गई है. बर्ड्स लाइक वुडपैकर हैव चीजल शेप्ड स्ट्रॉन्ग हार्ड बीक. सच अ बीक हेल्प द बर्ड टू मेक होल्स इन द बार्क्स ऑफ अ ट्रीज. दे ब्रिंग आउट द इंसेक्ट फ्रॉम दीज होल्स एंड ईट इट. इस टाइप की जो चोंच होती है, जो लंबी होती है ऐसे और बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होती है जैसे वुडपैकर की, ये इनको हेल्प करती है ट्रीज में ऐसे अपनी बीक से ये मार मार के उसमें होल कर देती हैं और उसके अंदर से इंसेक्ट को निकाल के खा लेती हैं. नेक्स्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. कुछ बीक्स होती हैं जो बहुत चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं, लाइक अ डक. देखिए डक की बीक. बर्ड्स लाइक डक हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. जैसे बर्ड्स होती हैं जैसे डक्स, उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड और फ्लैट होती है. These beaks have holes on either side. इनके साइड में यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं. Such holes are called stainers. और इनको हम क्या बोलते हैं? Stainers. It scoop the muddy water with it and the mud and the water flow out through the holes on the sides. The little plant and insects from the muddy water stay inside and the beak and serve as water as food for duck. अब देखिए इसको स्टेनर क्यों बोला गया? स्टेनर बोलते हैं हम छलनी को जो पानी बाहर निकाल देती है और उनको अंदर रख के. आपकी मम्मी स्ट्रेनर यूज़ करती होंगी जब वो राइस को वॉश करती हैं.
तो ये भी स्टेनर की तरह से ही काम करती है। ये क्या करती है, जो मड होती है, जैसे जो मिट्टी वगैरह आ गई पानी के ऊपर फ्लो रहती है गंदगी, उसको ये बाहर छोड़ देती है और पानी को, साफ पानी को अंदर पी लेती है। इसी तरीके से जब ये प्लांट्स या इंसेक्ट्स लेती हैं मडी वाटर से, मिट्टी के पानी से, तो वो जो मडी वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है इन पोर्स से, और जो प्लांट्स या इंसेक्ट जो भी डको खाना होता है उसको वो खा लेती हैं। नेक्स्ट वन शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स, उसके बाद आती है शॉर्ट और ब्रॉड बीक्स। बर्ड लाइक स्वेलोज हैव शॉर्ट बट ब्रॉड बीक, जैसे ये स्वेलो एक बहुत प्यारी बर्ड होती है, इसकी बीक शो की गई है आपको, ये कैसी होती है, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटी होती है, एंड ब्रॉड और चौड़ी होती है। देयर माउथ इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, इनका जो मुंह होता है अंदर से वो बहुत स्टिकी चिपचिपा होता है। व्हेन दे फ्लाई दे कीप देयर माउथ ओपन, जब ये उड़ती हैं तो अपने मुंह को खुला करके तब उड़ती हैं। एंड इंसेक्ट्स गेट स्टक इनटू देयर माउथ, उससे क्या होता है, और अंदर से इनका माउथ जो है चिपचिपा होता है, तो इंसेक्ट्स अपने आप इनके मुंह में आके चिपक जाते हैं और ये उसको निगल लेती हैं। नेक्स्ट वन बीक ऑफ पुपवे, लॉन्ग कर्व एंड स्लेंडर बीक्स, इनकी बीक्स कैसी होती है, बहुत लंबी कर्व, देखिए मुड़ी हुई है यहाँ से, और स्लेंडर। अ होपी हैज़ अ लॉन्ग कर्व एंड स्लेंडर बीक टू पुल इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड, और ये अपनी बीक से क्या करती हैं, ग्राउंड के अंदर अपनी बीक डाल के वहाँ से जो होल्स होते हैं उनमें से इंसेक्ट को निकाल के खा लेती हैं। आपको पता है इंसेक्ट्स होल बना के रहते हैं ग्राउंड में, लाइक अर्थवर्म। नेक्स्ट बीक ऑफ किंगफिशर, देखिए किंगफिशर बहुत प्यारी सी ये बर्ड होती है, इसको शो किया गया है यहाँ पर। ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, इसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड चौड़ी होती है, लंबी होती है और पॉइंटेड होती है। किंगफिशर एंड स्ट्रोक्स हैव ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, स्ट्रोक्स की भी आपने देखा होगा, स्ट्रोक्स जिसका बुगला बोलते हैं उसकी भी कैसी होती है बीक, ब्रॉड लॉन्ग और पॉइंटेड। इट हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ये इनको हेल्प करती है पॉन्ड्स में से और रिवर्स में से फिश को ये आराम से कैच कर पाते हैं। दे पोक द फिश विद देयर बीक एंड लिफ्ट इट आउट ऑफ द वाटर, ये क्या करते हैं अपनी बीक को फिश के अंदर ऐसे पोक करते हैं, चुबाते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर दूर ले जाकर उनको खा लेते हैं। डिड यू नो द बर्ड विद द लार्जेस्ट बीक इन द वर्ल्ड इज द ऑस्ट्रेलियन पेलिकन, वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग लार्जेस्ट बीक जिस बर्ड की है वो बर्ड कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, वो एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन पेलिकन का नाम है। नेक्स्ट फीट एंड क्लोज ऑफ अ बर्ड्स, अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के फीट यानी उनके पैरों के और उनके पंजों के बारे में। फीट एंड क्लोज आर वेरी हेल्पफुल टू बर्ड, जो बर्ड्स के फीट होते हैं या उनके क्लोज होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे हेल्प देम इन कैचिंग एंड ईटिंग फूड, किस चीज़ में, जो उनका फूड होता है उसको कैच करने में, उसको पकड़ने में। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और उनके जो पंजे हैं वो उनको उनके एनिमीज से भी बचाते हैं। बर्ड्स हैव टू लेग्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स के टू लेग्स होते हैं, विथ फोर टोज ऑन ईच फुट, और हर उसमें उसके कितने टोज होते हैं, फोर, देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड हॉप अराउंड, वो अपने फीट किस लिए यूज़ करती हैं, चलने के लिए और जंप करती हैं वो धीरे धीरे, बर्ड्स आपने देखा होगा उसके लिए। दे ऑल्सो हैव टू कैच फूड और टू स्विम, और उनके जो ये क्लॉज होते हैं या फीट होते हैं वो उनको उनका फूड कैच करने में भी हेल्प करते हैं, और जो बर्ड स्विम करती हैं उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन पर्चिंग ऑन ट्रीज, द टाइप ऑफ फीट ऑफ अ बर्ड टेल्स इट फूड एंड लिविंग हैबिट्स, वो कह रहे हैं कि जब आपने देखा होगा ट्रीज की ब्रांचेस पे बर्ड जो हैं वो बैठी रहती हैं, तो ब्रांचेस को ऐसे पकड़ने में भी उनके फीट्स और क्लोज जो हैं उनकी हेल्प करते हैं। द टाइप ऑफ फीट ऑफ अ बर्ड टेल्स इट्स फूड एंड लिविंग हैबिट, हम बर्ड्स के जो फीट और क्लोज होते हैं उनको देख के पता लगा सकते हैं कि किसी बर्ड की फूड और लिविंग हैबिट्स किस टाइप की है। फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक वल्चर एंड ईगल हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज, जैसे कि जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, जैसे वल्चर है, ईगल है, इनके जो क्लॉज होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। दीज क्लॉज आर कॉल्ड टैलन्स, और इनको हम क्या कहते हैं, टैलन्स। विद द हेल्प ऑफ टैलन्स दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे, टैलन्स की हेल्प से ही अपने जो इनका शिकार होता है उसको
कैच कर पाती हैं, पकड़ पाती हैं और होल्ड करके रखती हैं। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव टू टोज विच पॉइंट अपवर्ड एंड टू टोज विच पॉइंट डाउनवर्ड्स। वो कह रहे हैं जो क्लाइंबिंग बर्ड होती है उनकी टू टोज होते हैं, उनके दो पॉइंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और देखिए यहाँ पर, और दो पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। दीज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड द ट्रीज। ये इनको हेल्प करते हैं पेड़ों की ब्रांचेस पे जैसे बैठते हैं उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए। पैरट्स एंड वुडपैकर आर क्लाइंबिंग बर्ड्स। जो पैरट है और जो वुडपैकर हैं वो किस टाइप की बर्ड्स होती हैं? क्लाइंबिंग बर्ड्स। नेक्स्ट, पर्चिंग बर्ड्स यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन द ट्री ब्रांचेज एंड सिट ऑन देम। पर्चिंग बर्ड जो होती हैं वो अपने फीट को यूज़ करती हैं ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठने के लिए। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, और इसको कहते हैं हम पर्चिंग। दे हैव थ्री टोज, इनके कितने टोज होते हैं? थ्री, इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। दो फ्रंट में होते हैं और एक बैक में होते हैं, टू हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच। ये देखिए ऐसे, जिससे कि वो ब्रांच को अच्छे से पकड़ लेती हैं। दे कैन इवन स्लीप ऑल्सो वाइल्ड पर्चिंग, और ये क्या करती हैं, ये सो भी सकती हैं, मतलब ब्रांच को ऐसे पकड़े पकड़े सो भी जाती हैं। स्पैरोज, क्रॉस, पिजन्स, पैरट्स आर पर्चिंग बर्ड्स। तो जितने भी हमारे ये होते हैं, स्पैरो है, क्रॉ है, पिजन है, पैरट है, ये सब कैसी बर्ड्स हैं? पर्चिंग बर्ड्स हैं। नेक्स्ट, हैन एंड कॉक्स आर स्क्रैचिंग बर्ड्स। जो हैन और कॉक होते हैं उनको हम स्क्रैचिंग बर्ड्स कहते हैं। दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके पंजे हार्ड और शार्प, टू डिग द ग्राउंड, जिससे कि ग्राउंड को खोद भी सकती हैं। दे स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट इंसेक्ट्स एंड बर्ड सीड्स। ये क्या करती हैं, ग्राउंड को खोद खोद कर ज़मीन को वहाँ से इंसेक्ट्स निकाल लेती हैं अपने लिए, और जैसे बीज वगैरह अगर बोते हैं आप तो उनको भी निकाल लेती है। दे हैव थ्री फ्रंट टोज एंड वन शॉर्ट बैक टो, इनके फ्रंट में तीन होते हैं टोज और बैक में एक होता है, वो शॉर्ट होता है। ये क्लॉग शो किया गया आपको हैंड का। नेक्स्ट, डक्स एंड स्वैंस स्विम इन द वाटर। आप जानते हैं कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं जो स्विमिंग करती हैं, जैसे डक्स होती है और स्वैन होती है। दे आर स्विमिंग बर्ड्स, इनको हम स्विमिंग बर्ड्स कहते हैं। एंड हैव वेब फीट, इनके जो फीट होते हैं वो वेब यानी कि काफ़ी चौड़े होते हैं। दे हैव थ्री टोज इन अ फ्रंट, फ्रंट में उनके तीन टोज होते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें शो किया गया है। एंड वन एट द बैक, और एक बैक में होता है, देखिए यहाँ से पीछे से दिखाई दे रहा है छोटा सा। दीज हेल्प देम टू पुश बैक द वाटर वाइल स्विमिंग, और इनके देखिए जो फीट हैं वो वेब हैं, चौड़े हैं, तो जब ये स्विम करती हैं तो इनसे अपने वेब फीट से क्या करती हैं, पानी को पीछे हटाती रहती हैं और वो इनको स्विम करने में हेल्प करता है। वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर। अब जो वेडिंग बर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं और ऐसे स्प्रेड हो रखे होते हैं, उनके टोज देखिए अलग अलग हैं, सब पूरे स्प्रेड हो रखे हैं, जॉइंट नहीं है। दे वेड थ्रू मडी वाटर, और ये क्या करती हैं, जो मट्टी वाला पानी होता है आपका, क्रेन्स, स्ट्रॉक, हिरॉन्स एक्सेट्रा और वेडिंग बर्ड्स, इसके एग्जाम्पल हैं क्रेन्स, स्ट्रॉक, बगुला होता है। दे पिक अप फिश एंड अदर इंसेक्ट फ्रॉम द वाटर और मडी वाटर, जो मडी वाटर होता है उसमें से ये क्या करते हैं, फिश और इंसेक्ट्स वगैरह को निकाल कर खा लेते हैं। मेनली जैसे आप फार्मिंग जब करते हैं खेतों में तो पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर ये देखने को आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, नेस्ट ऑफ बर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे इनके नेस्ट के बारे में। अ बर्ड ऑल्सो नीड अ होम टू लिव इन, जैसे हम सभी को घर की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से बर्ड्स को भी घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। इट्स होम इज़ कॉल्ड अ नेस्ट, इनके जो घर होते हैं बर्ड्स के उनको हम नेस्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बिल्ड देयर ओन नेस्ट ऑन ट्रीज, ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो अपने लिए खुद अपना नेस्ट तैयार करती हैं ट्रीज पर। दे यूज स्ट्रॉ, ग्रास, ट्विग्स, फैदर्स, क्या यूज़ करती हैं वो, स्ट्रॉ, ग्रास, ट्विग्स, फैदर्स, पेपर, कॉटन, वुल, मर्ड, लीव्स, कुछ भी उनको मिल जाता है तो उसको यूज़ करती हैं अपना नेस्ट को बनाने के लिए। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ब्रोकन वॉल्स, इन टॉल बिल्डिंग एक्सेट्रा। कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो ट्रीज पर अपना नेस्ट नहीं बनाती, जबकि जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी या वॉल्स होती हैं वहाँ पर अपना नेस्ट बना लेती हैं, लाइक पिजन। बर्ड्स ले देयर एग इन दीज नेस्ट,
और बर्ड जो अपने एग्स को लेज करती है वो भी कहाँ करती है, अपने नेस्ट में। बर्ड्स लुक फॉर सेफ प्लेस टू मेक देयर नेस्ट। बर्ड जो होती है जब उसको अपने लिए नेस्ट बनाना होता है तो वो सबसे पहले देखती है एक सेफ प्लेस जहाँ पर वो सेफ रह सके। दे वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर। वो किस चीज़ से प्रोटेक्शन देती हैं अपने आप को, एक तो अपने एनिमीज से जो उनके, क्योंकि जो दूसरी बर्ड्स होती हैं वो उनके एग्स को खा लेती हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बैड वेदर जो बुरा मौसम आता है जैसे आंधी तूफान बारिश, तो उन सबसे भी वो बचाव कर सके। दे ऑल्सो ट्राई टू मेक देयर नेस्ट वॉर्म एंड कम्फर्टेबल फॉर देयर बेबीज। वो अपना जो नेस्ट है उसको बहुत मेहनत से इस टाइप का बनाती हैं ताकि वो उनके जो बेबीज होंगे उनके लिए वॉर्म भी रह सके, उनको गर्माहट मिल सके, इसलिए उसमें वो सॉफ्ट फेदर वगैरह या कॉटन जो मिलती है उनको वो रखते हैं, और कंफर्टेबल वो इस तरह का बनाती है कि उनके बेबीज के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। हर बर्ड का नेस्ट बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। कुकू इज वन सच बर्ड दैट डज नॉट मेक इट नेस्ट। कुकू एक बर्ड होती है जो अपने लिए नेस्ट नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। वो क्या करती है जब उसको एग्स ले करने का टाइम आता है तो वो क्रो के नेस्ट में चली जाती है। बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच मेक देयर नेस्ट ऑन ग्राउंड एंड नॉट ऑन ट्रीज। जैसे जो बर्ड्स होती हैं, जैसे हैवी बर्ड्स होती हैं, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, तो ये अपना जो नेस्ट है ये कहाँ बनाती हैं, पेड़ पर नहीं बनाती हैं, ग्राउंड में बनाती हैं। स्पैरो बिल्ड्स अ नेस्ट ऑन ट्री। जो स्पैरो होती है वो अपना बर्ड नेस्ट हमेशा ट्री पर बनाती है। अ टेलर बर्ड स्टिचेस लीव टू मेक इट नेस्ट। एक बर्ड होती है टेलर बर्ड, उसका नाम ही है टेलर बर्ड। वो क्या करती है, लीव्स को स्टिच कर करके सिल के अपना नेस्ट रेडी करती है। आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। आप कोशिश कीजिए, अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल टेल यू। अ पार्ट्रिज बिल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पार्ट्रिज बर्ड होती है वो कहाँ बनाती है अपना नेस्ट, ग्राउंड पे बनाती है। ये देखिए, अ वीवर बर्ड बिल्ड्स नेस्ट विद ट्विग ग्रास एंड बोल्स। ये होती है वीवर बर्ड और इसका जो नेस्ट होता है बहुत खूबसूरत होता है, और किससे बनाती है ये अपना नेस्ट, ट्विग ग्रास और बोल्स एक्सेट्रा। The woodpecker pecks into tree trunk and makes a hole for a nest in a beautiful manner. जो आपकी woodpecker होती है वो क्या करती है, tree में hole करती है और उसके अंदर ही बहुत खूबसूरत सा अपना nest जो है वो ready करती है। Oral quiz, give an example of the climbing bird. आपने भी यहाँ पर chapter पढ़ा, क्लाइंबिंग बर्ड के बारे में भी पढ़ा, तो आपने क्या करना है उसके बारे में एक एग्जांपल यहाँ पर देना है। विश बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन ग्राउंड। कौन सी ऐसी बर्ड है जो ग्राउंड पे अपना नेस्ट बनाती है, अभी अभी हमने पढ़ा है। डिड यू नो द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निटोलॉजी। वो कह रहे हैं कि अगर हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं स्पेशल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निटोलॉजी। टेस्ट इट योरसेल्फ। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर्स कितना समझ में आया। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स गिवन है, जो स्टेटमेंट सही है उनके लिए ट्रू देना है और जो रॉन्ग है उनके लिए फॉल्स देना है। जैसे बर्ड्स हैव नो टीथ, से ट्रू और फॉल्स। विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। अ पैरट यूजेस इट्स बीक्स टू क्लाइंब। क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स। कुकू डज नॉट मेक इट्स नेस्ट। ये सभी पॉइंट्स जो हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और आप इजीली इसको कर सकते हैं। चैप्टर, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एक्सरसाइज बहुत जल्दी डन करके आपको सेंड कर दी जाएंगी, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।